जैसे देखिए आप आजकल थोड़ी थोड़ी बारिश भी होती है तो बाढ़ आ जाती है, तो ये पहले कभी ऐसा नहीं होता था। आई थिंक हम मुंबई में तब भी लकी हैं कि हमारे में यहाँ मैंग्रोव्स है जो फ्लड को रोकने में बहुत मदद करता है। तो आई थिंक इसकी सफाई के लिए हम यहाँ पे आए हैं, और आई थिंक हम सभी को उतना अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। और अच्छी बात यह है कि हम एक्टर हैं तो हमारी बात लोग सुनते हैं, तो क्यों ना हम सिर्फ एक्टिंग का ना सोच के लोगों के बारे में भी सोचना शुरू कर दें। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ऐसी हर एक व्यक्ति को पता है कि एनवायरनमेंट जो है जो कि ये फ्री में मिला हुआ है, तो उसको समझते हैं शायद फ्री में मिला है तो उसको मिसयूज़ करें। बट यहाँ आके जब आप मैंग्रोव्स के बारे में बात करते हैं तो पता लगता है कि जो एनवायरनमेंट से चीज़ें हमें मिली हुई हैं उसको कैसे सुरक्षित रखें, सो दैट कि आज हमने ज़िंदगी जी है लेकिन आने वाले समय के लिए जो लोग आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो उसको कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी। अगर इनको आज नहीं बचाएंगे तो आने वाला समय बहुत ख़राब हो सकता है। लोगों ने खुद हाथ से जब खुद काम करते हैं तब पता लगता है किस तरह से पूरे पेड़ को प्लास्टिक ने ढक दिया है और उसमें वो कैसे वो ग्रो होगा। अगर ये एनवायरनमेंट में ये मैंग्रोव्स नहीं रहेंगे तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इतनी जनरेट हो रही है उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, कैसे ऑक्सीजन और निकली। आई थिंक इतनी कोस्टल लाइन जो है वर्ल्ड के अंदर है, अगर ये सब जगह प्रॉपरली अगर मैंग्रोव्स ही सफिशेंट हो तो हम जितना भी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जितना पोल्यूशन हो रहा है वो काफ़ी कुछ जो है एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसकी सफाई जो आज का जो उन्होंने बानवा ट्रस्ट ने किया है और साथ में स्टेट बैंक को साथ में लिया है तो एक बहुत अच्छा कदम है, और मेरे हिसाब से ये खुद लोग करेंगे तब पता लगेगा। ऐसे लोग सुनते सुनते पेपर में पढ़ने से नहीं पता लगेगा। तो ये जो एक्टिविटी आज हुई है ना उससे मेरे साथ जागरूकता बहुत लेवल बढ़ी है। जो लोग आज खुद आए अपने परिवार वालों को बताएंगे, मित्रों को बताएंगे, तो उसका जो एक धीरे धीरे प्रचार बढ़ेगा। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा कदम है और इसको कंटिन्यूसली बेसिस पे करना चाहिए। सबको कम से कम एक बार अपना जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए तब पता लगेगा कि इसमें अरे कितनी प्रॉब्लम है। जब पेड़ को देखते हैं पूरा जकड़ा हुआ है प्लास्टिक से तब पता लगता है कि अरे कैसे जी रहा होगा ये पेड़। ये बहुत बहुत अच्छी कड़ी है। जैसा कि सर ने बताया कि हमें खुद से सामने आना पड़ेगा और हम अपने हाथों से जो है जब निकालते हैं तो देखते हैं कि कितने सारे प्लास्टिक जो है पेड़ों को जकड़ा हुआ है। एज एन एक्टर क्या फील करते हैं आप कि और हमें कितनी सफाई की जरूरत है और हमें कितना और आगे आना पड़ेगा, जैसे आप आए सर आए और भी ढेर सारी पर्सनैलिटी आ रही है। देखिए शुरुआत अपने घर से करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्लास्टिक यूज़ करना आप छोड़ दें, बहुत ही हानिकारक होता है, ना केवल धरती के लिए बट अपने आप के लिए भी। क्योंकि घर पे हम प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ कर रहे होते हैं, प्लास्टिक बॉटल से आप पानी पी रहे होते हो, वो बंद कर दो। आप प्लास्टिक बॉटल में पानी पीना बहुत ही ख़राब है और आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। चाहे जो पहले हम बचपन में ग्लास का वो कांच की बॉटल होती थी वो यूज़ करना स्टार्ट करें, प्लास्टिक बैग्स बंद कर दो। इनफैक्ट अच्छी बात यह है कि मुंबई में अभी भी बहुत सारे मार्केट्स में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे है ना कपड़ों का बैग स्टार्ट हो गया, तो वो यूज़ करें और जितना हो सके लोगों को नॉलेज दें, उनको समझाएं, वो बहुत ज़रूरी है। वेल भामला फाउंडेशन मुझे लगता है एक फैमिली है, इतने सालों से इनके साथ एसोसिएट हम सभी होते हैं और सबसे अच्छी बात है कि हर साल लोग बढ़ते जा रहे हैं, उतने लोग आते जा रहे हैं साथ साथ में। आई थिंक लोगों को समझ आ गया है और भामला फाउंडेशन का बहुत बड़ा हाथ है मुंबई में और इनफैक्ट मुंबई के बाहर भी, क्योंकि हम जब एक्टर्स को जिस तरीके से आसिफ जी लेके आते हैं, क्योंकि हम एक्टर्स इन्फ्लुएंस बहुत लोगों को कर सकते हैं तो क्यों ना अच्छी चीज़ों में हम इन्फ्लुएंस करें। और आई थिंक भामला फाउंडेशन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और आने वाले हर साल में मैं हम सभी इनके साथ हैं। सर कैसे देखते हैं इस फाउंडेशन को, जैसा कि भाई ने भी बताया कि डे बाई डे बहुत ही हम सभी बढ़ते जा रहे हैं। आई थिंक भामला फाउंडेशन का हमारा जो सहयोग है SBI के साथ में पिछले कुछ वर्षों के साथ है, बट जब भी हम यहाँ आते हैं तो हर बार ये फील करते हैं अगली बार और बड़ी तरीके से आएंगे। एक छोटा आज छोटा प्रोग्राम देखते हैं लगता है अरे इससे तो बहुत बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए था हमें, हम उसको यहाँ गेज नहीं कर पाते जब हम ऑफिस में बैठे होते हैं कि किस तरह की एक्टिविटी होने वाली, जब खुद यहाँ पर प्रैक्टिकल देखते हैं तो लगता है कि भाई अभी आज हम वही बात कर रहे थे कि अभी हमें पिछले 2-3 सालों से हम इनके साथ एसोसिएट हुए हैं, बट आई थिंक आने वाले समय के अंदर और भी कई सारी एक्टिविटीज़ में हम पार्टिसिपेट करेंगे। हम ये प्लान कर रहे हैं कुछ और एक्टिविटीज़ हम जल्दी करेंगे और ये प्योरली इन्वायरमेंट के ऊपर ही हम करने वाले हैं। और मैं देखता हूँ कि जब इनकी कॉल होती है तो हमारा स्टाफ स्टेट बैंक का भी सबसे ज़्यादा अपने आप ही वॉलंटरली यहाँ पर पहुँच जाते हैं। आप
There are about more than 700-800 volunteers who already started. This is the third round that is already happening, and we are waiting for the final round for you to flag off this. And who more and who better than Isha, who's an environmentalist at heart. Whenever. चलो सबका रोल है ईशा जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जी कि आप यहाँ पर थर्ड टाइम जी जी मैंग्रोव्स के बारे में हम सभी को जैसा कि सभी आते हैं सपोर्ट करते हैं, आपको अपने हाथों से देखते हैं आप बहुत सारे जी प्लास्टिक पे निकल, क्या थॉट होता है आपका आज के दिन? सी मैंग्रोव्स का काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि वो जहाँ जितने भी कोस्टल एरियाज हैं ना, वो मैंग्रोव्स जान होता है, क्योंकि जब मैंग्रोव्स होते हैं उसी वजह से जब वो टाइड्स आती है हैवी टाइड्स, तो वो उसे प्रोटेक्ट कर पाते हैं। अब क्या हो रहा है, आप देखेंगे कोस्टल एरियाज को क्लीन कर रहे हैं, मैंग्रोव्स को हटा रहे हैं ताकि हम वहाँ पर सड़क बना पाएँ या और प्रॉपर्टी बना पाएँ, और जो हो रहा है वर्सोवा वगैरह में भी हो रहा है। तो आई थिंक मैंग्रोव्स को हम साफ़ करने का मतलब ये नहीं होता उनकी सफाई कर दे, साफ़ करने का मतलब ये होता है कि हम अपने मैंग्रोव्स को बचाएं और उन्हें फिर साफ़ करें। तो आई थिंक वो ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बहुत खुश हूँ कि एक ऐसा इनिशिएटिव शुरू है, क्योंकि कोस्टल हम मुंबई में है, हमारे कोस्टल सिटी है, लोगों को अभी तक अहमियत नहीं पता है, साफ़ नहीं रखते। अगर आप साफ़ भी नहीं रखेंगे प्लास्टिक, तो उसकी जड़ मजबूत नहीं रहेगी और फिर दोबारा फ्लड्स का प्रॉब्लम। वैसे इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आई थिंक मुंबई जैसे शहर के लिए बहुत ज़रूरी है मैंग्रोव्स। एंड शहर राजलक्ष्मी जी, यू नो यू नो डे बाय डे ये जो है अन्ना फाउंडेशन बहुत ही बढ़ते जा रहा है, हर कोई जो है यहाँ से सपोर्ट अफिलिएट हो रहा है, आने वाले दिनों में ये जिम्मेदारी आप लोग हम लोग सो कैसे देखते हैं आप? सो महात्मा गांधी का एक कोट था, दैट महात्मा गांधी का एक कोट था, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। So I won't talk big, I will start it from my end, from my home I'll reduce using plastic, I've almost stopped, we have no plastic bottles at our house, I'll switch off the AC, I'll use lesser water, jab tap khulla rehta hai, so apne andar se chote chote change agar aap banaoge, so overall if 8 billion people do the change, then there's no harm, and I think that mangroves itself are a first aid for our city, because it's a coastal city, and Mumbai ek island hai, मैंग्रोव्स अगर प्रोटेक्टेड नहीं है एंड अगर हम डिस्ट्रॉय कर देंगे जो हम पहले से करते आ रहे हैं, देन मुंबई भी पूरा डिस्ट्रॉय होने ही वाला है फ्लड से। ये बार बारिश में हमने देखे थे कितना पानी आया था, एंड इंडिया इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री एंड मुंबई इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़, इट्स आउट ऑफ टॉप 20 सिटीज़ मुंबई इज़ वन ऑफ देम, एंड आधे भी दूसरे सिटीज़ इंडिया के ही है जो बाकी 20 में है। आई थिंक यू नो लाइक सहर ऑल्सो सेड अभी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अंदर, एक एक इंसान बहुत डिफरेंस कर सकता है। यू नो हम लोग, हमें लगता है अरे अगर हमने फेंक दिया तो क्या होगा, बट एक एक इंसान से बहुत चेंज आता है, क्योंकि अगर मैं जो चेंज चाहती हूँ वो मैं अपने घर वालों को बताऊँगी, अपने दोस्तों को सिखाऊँगी, तो आई थिंक यू नो दैट वन पर्सन अगर हम चार को सिखाएं। एक और बात यह है कि भामला फाउंडेशन से मेरा एसोसिएशन इसलिए इतने टाइम से है, क्योंकि जितना पैशन मुझ में उतना ही पैशन उसमें उनमें है। जैसे आसिफ जी ने भी बोला और सहर ने भी, सच है अगर मुझे रात को बुलाएं तो नहीं आऊँगी डिनर पर, बट जैसे आप बोलेंगे एनवायरमेंट के लिए, क्योंकि आई फील सेलिब्रिटी होने का ये फ़ायदा है कि लोग हम जो भी कपड़े पहनते हैं वो भी देखते हैं, फैशन हमारा फॉलो करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं मगर देखते ज़रूर हैं, तो रादर हम ऐसे कॉज को पिकअप करें जहाँ लोग देखें और हमारी आवाज़ सुने। एंड कैन आई टेल यू वन थिंग, ईशाज अवेलेबिलिटी इज द बेस्ट थिंग, सो शी वॉज जस्ट अ मैसेज अवे, आई आस्क्ड हर आर यू फ्री ऑन 28, शी सेड लेट मी चेक, एंड शी गॉट बैक टू मी इन 5 मिनट्स, शी सेड यस बेब आई एम फ्री, वी हैव टू स्टार्ट द न्यू ईयर ऑन अ ग्रीन नोट, and like you know normally actors I have to go through a barrier to reach out to them, but she is the best, like I love her too much. Yeah, how was 2019 for you and how are you looking forward to 2020? 2019 had a lot of ups and downs, you know, whether it was career, whether it was my parents' health, whether it was my personal realization, but I think 2019 even saw a lot of change in the world in general, and 2020 का बेस था, तो जो भी आपको खोना था खो दिया, जो भी आपको पाना था वो बस एक बेस था, एंड 2020 इंशाल्लाह सबके लिए बहुत अच्छा होगा, एंड लेट्स नॉट मेक इट पॉलिटिकल, आई थिंक देश को जोड़ते हैं। हाँ।
अभी शुरू करते हैं टिप्सी की शूटिंग दोबारा शुरू होगी, क्योंकि वो हमने एक्चुअली यूके में बाढ़ आ गई थी जो हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो हमारी बस 10-15 दिन शूट हुई और हमें वापस आना पड़ा, तो अभी फिलहाल बस वही प्रोजेक्ट है और Z5 का भी मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। थैंक यू जी। हाय, मैं हूँ ईशा गुप्ता और आप सभी को मेरे तरफ से नए साल की मुबारक। थैंक यू। So, all you young millennials, Aditya ji, they've been here from morning 7 a.m. and there've been 3 rounds of cleaning that has already been happened, but we left the final round for you and your auspicious presence, because as far as you are concerned, you've always supported and stood for environment. I still remember 8 years back when the first time, Aditya ji, when you came on Carter Road, the function on the World Environment Day. And from then you've been persistently and consistently helping and supporting any cause. I mean, not necessarily to my foundation alone, but to everybody, you know, be it the Warsaw Clean Beach or anything. So we have more an environmentalist in Aditya, my dear friend, than a politician, I would say. Now he's of course a very, very, very senior politician. So I won't miss that opportunity. Firstly, very, very hearty congratulations to have you here, and you've done tremendous work, and also a very big round of applause for Aditya ji to pursue that RA remains RA, the trees, the mangroves are restored. So a very, very big round of applause to Aditya ji for doing this initiative. And like you always know that she is that he's always there for the beach cleaning, for the mangrove cleaning. He was the one who flagged off this, and Aditya ji, we are completing 30 sessions like this. Obviously, we can't call you for every of them. And now that you're here, I'm so happy and so glad. Raj Lakshmi and Seher are the two millennials who've organized this. I'm coming on the last minute to take some credit. So, so they're the two millennials. Actually, you all should both stand besides Aditya ji, you know, so that there is a proper photo op. Because you all are the future. We have Isha Gupta here already. And I know that you all are all waiting to hear both of them, but first I will give to Raj Lakshmi, then Seher, then Isha, and finally the man of the moment, Aditya. So a very big round of applause to Raj Lakshmi. A very big round of applause. I want them to speak more so that they get more confidence and they're more Aditya ji. I want them to be like Aditya ji. So when they start off now, they'll be better off then. Thanks. I'd like to thank everyone who's come here, Aditya ji, Isha ji, all the dignitaries, the volunteers who have participated and supported. I wouldn't say it's a cause, but it's an emergency that we have right now. So personally, I study in Switzerland, and seeing the kind of the way in which they tackle environmental issues, and with that, how they balance, you know, economic growth at the same time. And then looking at a country like India, where you see just see hordes of garbage everywhere, and considering the fact that India is an NIC country, mangroves are so important in, like, obviously from the environmental aspect. I want to reiterate the fact here that mangroves play a very integral role in the ecosystem, because they're very important in the carbon cycle. So out here, we all know that trees, they take in carbon dioxide, but mangroves, they take in 50% more carbon dioxide. And not only that, looking at from an economic point of view as well, it promotes ecotourism. And looking at a country like India, which again I said is an NIC country, it's very important that we ensure there's a balance between environment and the economic, ensuring the sustainable economic growth. Actually, Aditya ji, I saw your speech in the Vidhan Sabha. I think you were one of the only MLAs to address climate change in your And in fact, you know, when we went to invite Aditya ji, he just asked us, we told him we have this mangrove cleanup, and he just asked us the date. And, you know, instantly he said he'll be coming and, you know, supporting this. Again, I wouldn't say it's a cause, it's an emergency. So again, thank you so much for taking your time and coming here on a Saturday morning. It's truly encouragement and a motivation for all of
all of the volunteers who have come here and supported us. And being the youth of today, although we make up 50% of the population, we are 100% of tomorrow's future generation. So we must take care of our planet. Thank you so much, each one of you. You again, Bhavna Foundation, they've done great work in all aspects, especially the environment. So a big congratulations from all of us out here to Asif Bhavna Ji, Seher. You know, we've been working on this, thinking about, you know, ways in which how we can contribute being the youth of today to make our environment better. And again, thanks once again from all of us for coming here and supporting us in this endeavor to keep our environment clean. Thank you. And now I give you Seher Bhavna a very big round of applause. And Aditya, both of them, I mentioned that Isha's availability is so good. She was just a message away, and so was Aditya. Rajlakshmi contacted him, and he said that, yeah, I'm coming. He went to his office, we met him, and yeah. So I really follow a quote. It's by Mahatma Gandhi ji, that be the change you wish to see in the world. So basically, I'm not going to tell. I will tell everyone that you don't use plastic. आप प्लांट्स बढ़ाओ, काफूल करो, बट आई विल डू इट माई सेल्फ फर्स्ट. एंड लाइक आई मेंशन दैट आई हैव रिड्यूस्ड यूजिंग ऑल द प्लास्टिक दैट वी यूज. देयर आर नो प्लास्टिक बॉटल्स इन माई हाउस. वी वॉक अप स्मॉल डिस्टेंसेस. एंड आई वुड ऑल्सो आस्क द यूथ टू गिव 15 मिनट्स ऑफ देयर डे इन एनवायरमेंटल एक्टिविटीज. Anything what makes you feel good. For example, for me, I like planting saplings and all that. So we do that almost every day. So you know, maybe आप walk करे तो 15 मिनट कचरा उठा दो. It will make a difference. This world is 8 billion people, and if all of them give 15 minutes to the environment, it will make the biggest change ever. And like I mentioned that India is one of the most polluted countries in the world, and Mumbai is one of the top 20 cities which are very polluted. So we have to reduce pollution levels. And like we know the, and also there have been too many climatic catastrophes in Assam, Bengal, Andhra Pradesh, jahan floods aaye the. And I have read it in reports that jahan jahan mangroves the wahan floods ne bahut kam damage kiya, jahan mangroves nahi the wahan floods pura destroy karke chale gaye us area. So now we know the importance of mangroves in our city, and Mumbai is an island city, it's a coastal area. तो एंड लाइक ये बार हम बारिश में भी देखे थे कि कितना ज़्यादा पानी फ्लड हो चुका था. सो वी हैव टू, एंड मैंग्रोव्स आर अ मेडिकल एड एंड वी आर ब्लेस्ड विद देम. सो वी हैव जस्ट इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रॉइंग मैंग्रोव्स, लेट्स वॉक फॉर द मैंग्रोव्स. नाउ आई गिव यू अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ईशा गुप्ता. अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबका शुक्रिया कि आप लोग सुबह सुबह यहाँ पे सैटरडे को टाइम निकाल कर आए. ये दोनों जो हम यूथ की बात करते हैं, जिनके लिए हम अपने लिए नहीं अपने एनवायरनमेंट को बचा रहे, हम आगे के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं. तो इस टाइम पे आई थिंक मेरे पास में जो भी लोग खड़े हैं उनका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. यूथ यहाँ पे राजलक्ष्मी और सहर आवाज़ उठा रहा है बस आवाम के लिए नहीं, एनवायरनमेंट के लिए. हमारे पास एक ही अर्थ है जिसे हम घर बोल सकते हैं, और अगर हम उसे ही प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा. काफ़ी लोग हमारे देश में, मैंने देखा, हर चीज़ को यू नो पॉलिटिकल बनाने के चक्कर में रहते हैं, बट उन्हें ये समझ में नहीं आता, जैसे राजलक्ष्मी ने पहले बोला कि क्लाइमेट इमरजेंसी है ये. इट्स नॉट अबाउट कि कौन सी पार्टी करेगी कौन सी नहीं, बट एक ही युवा है मुझे लगता है जिन्हें मैं बहुत फॉलो करती हूँ स्पेशली इस चीज़ के लिए, आदित्य जी. आदित्य जी का हमेशा अगर आप देखेंगे वो हमेशा इस बारे में, वेदर इट वॉज आर ए कॉलोनी, मैंने इतना विद पैशन किसी को नहीं देखा टू प्रोटेक्ट आर ए कॉलोनी. ओनली बिकॉज वो अपने नहीं कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल नहीं बना रहे उसे, बट ही अंडरस्टैंड दैट जो आगे की युवा पीढ़ी है उनके लिए कितना ज़रूरी है, हमारी धरती को बचाने के लिए कितना ज़रूरी है. एंड अपने लिए मैं बस ये कहना चाहूँगी दैट आई थिंक एज सेलिब्रिटीज लोग हमारा फैशन फॉलो करते हैं, हमारा किसका बॉयफ्रेंड है किसकी गर्लफ्रेंड है वो फॉलो करते हैं. तो आई फील अगर हम एनवायरमेंट के लिए आवाज़ उठाएं तो लोग हमारा वो भी इंशाल्लाह वो भी फॉलो करने लगेंगे. एंड थैंक यू सो मच बामला जी, जब भी आपने मतलब आपने आवाज़ उठाई है, हम सब इसलिए आते हैं क्योंकि जो आपका पैशन है वो हमारे पैशन को मैच कर सकते. थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू आप सबको यहाँ के लिए. And now over to the man of the moment, a very, very huge round of applause for the environmentalists. Today I will not address them with the body, environmentalists, true by heart,
and through by action, and that's none other than Aditya Thackeray ji. Thank you, Asif ji. Actually, when everyone talks about the youth and then you address me as G, I start feeling a lot older. Isha has addressed me as G, I think Raj Lakshmi has addressed as G. Thank you, sir, for not addressing me as G. But Asif bhai, tumhi kharokhar haa jo event ghet asta mala atho to first time I was here. पहिल्यांदा मी जेव्हा आलो इथे एन्व्हायरमेंट डे साठी मी विचार करत होतो की काय नक्की असेल काय नक्की असेल, पण खरोखर प्रत्येक वेळी एक वेगळी थीम असते, त्या थीमला फॉलोअप केलं जातं. कारण खूप वेळा असं असतं की एक आपण थीम घेतो, तो दिवस सेलिब्रेट करतो आणि मग पुढच्या दिवशी विसरून जातो. पण तुम्ही प्लॅस्टिक थीम जर घेतली तर प्लॅस्टिकला पूर्ण वर्ष फॉलोअप करता. मॅनग्रोव्ह असते तर मॅनग्रोव्ह मला वाटतं 5-6 महिन्यापूर्वी पण मी इथे आलेलो आणि क्लीन अप करत होतो. वी डिड इट टुगेदर. पण हे सगळं करत असताना ऑफकोर्स मी आज ह्या दोघांसाठी आलेलो आहे, सहर आणि राजलक्ष्मीसाठी. कारण ह्या दोघी मुली मला वाटतं ह्या पॅशनेटली करत आहेत. मला जेव्हा घरी येऊन भेटल्या त्या, ऑफकोर्स माझे खूप मित्र आहेत जे करत असतात, क्लीन अप्स करत असतात. अफरोज शाह आपले हिरो आहेतच, चिनू आहे, मलार आहे, खूप कॉलेजेस आता पुढे येत आहेत, क्लीन अप्स करतात. पण ह्या दोन मुली जेव्हा मला सांगत होत्या की त्यांना काहीतरी करायचं, ऑफकोर्स त्यांना करण्याची गरज नाही. तसं मला वाटतं राजलक्ष्मी स्विझरलँडमध्ये अभ्यास करत आहे, सहर यू आर डुईंग अ ग्रेट जॉब. पण हे सगळं करत असताना जेव्हा पॅशनेटली कोणतरी बोलतं तेव्हा मला वाटलं की इथे मी यायला पाहिजे आणि सपोर्ट करायला पाहिजे. आणि एवढंच सांगायला पाहिजे की आजचं जे सरकार आहे त्याच्यात एक आवाज हा एन्व्हायरमेंटलिस्टचा आहे. मला आठवतं जेव्हा मी ह्या विषयाला घेतलं की एअर पोल्युशनसाठी आपण काहीतरी केलं पाहिजे, सरकारने काहीतरी केलं पाहिजे. ऑफकोर्स नुसतं बोलून थांबलं नाही, जसं ईशाने सांगितलं आत्ता, आय एम नॉट गोइंग टू रिफर यू एस जी, की आरे साठी आपण जे केलं, ऑफकोर्स मेट्रोच्या विरुद्ध कोणी नाही, मेट्रोचं काम सुरू आहे, जोरात सुरू आहे, वेळेवर बरोबर आपण ते कम्प्लीट करणार. पण आपल्याला झाडं कापायची नव्हती, ती कापली गेली तर त्याच्यात न जाता त्याला रिस्टोअर कसं करू शकतो. आणि ज्या मुलांवर केसेस होते ते आपण मागे घेतलेले आहेत. मला वाटतं एन्व्हायरमेंटलिस्टचा आवाज हा आपण अजून पुढे नेला पाहिजे. असे भाई, मैं आपको और एक चीज खुशी से बताना चाहता हूँ की जो BMC हमारी काम कर रही है, हम सब साथ में काम करें, एज अ सिटी वी इन्श्योर टू थिंग्स. पहली चीज वेस्ट मैनेजमेंट, बिकॉज काफी सारा वेस्ट डेब्री ये हमारे मैंग्रोव में जाता है, सी में जाता है, मिठी रिवर में जाता है, डंपिंग ग्राउंड्स में जाता है. तो हमने जो सेग्रीगेशन शुरू किया, टिल अबाउट 2017 हमारे शहर का जो डेली वेस्ट कलेक्शन था 10,000 मेट्रिक टन अ डे, इतना था. लेकिन दो साल में जो सेग्रीगेशन मुंबई का ने किया, पूरा सेग्रीगेशन किया, वेट वेस्ट ड्राई वेस्ट, ये जो सेग्रीगेशन था, वी हैव ब्रॉट इट डाउन टू अबाउट 7,000 मेट्रिक टन अ डे. That's a huge success for the BMC, for all our officers and for the citizens. Aur dusri cheez jo hum karne ja rahe hain wo hai concept hai urban forest ka. We're planting 400,000 trees, 4 lakh ped in 66 plots across Mumbai. To ye sari cheeze hum karne ja rahe hain. I think ye sari cheeze to hum kar rahe hain Mumbai ke liye kar rahe hain, Maharashtra ke liye kar rahe hain, desh ke liye kar rahe hain, globe ke liye kar rahe hain. Aur isme selfish interest hai ki khud ke liye kar rahe hain. Karan jo apan shwas ghetto to mokla shwas asela pahije. आणि हे नुसतं फ्युचरसाठी नाही, आपल्यासाठी पण आहे, आजच्यासाठी आहे. जर आपणच नाही जगलो तर फ्युचर युथ नाही शकणार. आणि म्हणून मला वाटतं की आपण हे जे करत आहात, खरोखर किती प्रशंसा करायची हे मला माहीत नाही, खूप कमी आहे. पण धन्यवाद तुम्हाला सगळ्यांना की आम्ही हे सगळं करत आहोत आणि आपण सगळे एक आहोत. आणि जी काही मुवमेंट करू आपण, ही आपण जगासाठी करू. धन्यवाद. Request is to the media because there's high tide to happen, so we'll just walk. Aditya ji, this is totally clean. There's one patch with opposite Rajesh Khanna's bungalow. If it's okay, if we can just walk a little, because anyways, health and environment, when we walk, we're talking about health and environment, two sides. So we'll just walk from here. I request the BMC officers, Vispute Sahab, thank you very much for coming. Sir and Rajlakshmi, you should give a sapling to Aditya ji. Wait, 1 minute. No, bite udhar hoga. Pehle hamara, pehle ye, pehle ye. Sapling to Isha. Isha, I won't call you G now. Aditya ji is already... Aditya, sorry. I don't have the courage to say, to call you without me. Karishma Bolani, please come ahead. She's also an active volunteer and environmentalist at heart. And she's been wanting to meet you also. We have Siddesh here. Siddesh, did you meet Aditya ji? Yeah. So we'll just walk. The media has to wait till we do the cleaning and then he will. I'll request you, sir, to please give the number. Because, sir, what will happen? The high tide will happen. I have a lot of phones. So, we're walking there. Okay. But quick one, boss. Please, in 2 minutes we got to finish.
because of the high tide, and Aditya ji has to walk from here to Rajasthan. I request you all behind to please start moving ahead. थैंक यू सबसे पहले तो, और ये अभी यहाँ आने एक आदत सी हो गई है, क्योंकि जब हर साल मुझे इनवाइट आता है तो मैं 6th या 5th जून को देखते रहता हूँ कि अरे इनवाइट कब आने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे अच्छे इवेंट्स होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इवेंट्स के द्वारा एनवायरनमेंट के लिए पैशन और अवेयरनेस जागृत होती है, तो मुझे लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। शहर और राजलक्ष्मी दोनों ने एक इनिशिएटिव लिया है, मुझे लगता है कि ऐसे यूथ को एनकरेज करना चाहिए और हम सब साथ में खुद के लिए ये काम करना चाहिए। अपन बघत असाल की प्रत्येक ठिकाणी, मुंबईतच नाही तर जगभरात क्लीनअप ड्राईव्ह सुरू झालेले आहेत। मला वाटतं आपण सगळे जे काही आत्तापर्यंत कचरा केलेला आहे जगात त्याच्याबद्दल अवेअर झालो की आता हा कचरा आपल्याला सांभाळला पाहिजे, कारण हा नाही तर खाऊन जाईल आपल्याला। आणि म्हणून आज भामला फाउंडेशन आहे, राजलक्ष्मी सर या दोघांनी जो इनिशिएटिव्ह घेतला आहे, आज त्या दोघांसाठी मी इथे आलो आहे, कारण हे जे कामं करतात हे खूप महत्त्वाचं आहे। मला वाटतं तो जे पसरत होतं त्यांना सांभाळू द्या। मुझे लगता है कि काफी सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। ईशा जी ने अगर देखा तो बहुत एक एक्टिव, सिर्फ ट्विटर पे नहीं लेकिन यहाँ आती रहती है, और हर साल मैं इनको यही मिलता हूँ, हम क्लीन अप करते रहते हैं, तो काफी अवेयरनेस बढ़ रहा है। तो मुझे नहीं लगा किसी को इनवाइट करने की जरूरत है, जिसको जिसको लग रहा है वो खुद से आ रहे हैं। बिगड़ा प्रश्न नहीं, बस बिगड़ा प्रश्न उत्तर तो दे। आई थिंक बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे देश में फिल्म हीरोज़ से ज़्यादा रियल हीरोज़ की ज़रूरत है, जो आज मेरे साइड में तीन खड़े हुए हैं, चार आसिफ जी भी हैं, ये कहाँ हैं वो मनीष भाँ आसिफ जी रे, एंड चिंटू जी भी है, कमलेश भी है, तो आई थिंक आदित्य जी, ये दोनों जो अभी बच्चे हैं यहाँ पे, एंड आई थिंक ऐसे हीरोज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, जस्ट टू प्रोटेक्ट, जैसे आदित्य जी ने पहले भी बोला, हम अपने लिए भी हमें करना चाहिए फॉर सेल्फिश रीजन एंड आगे की जनरेशन के लिए। थैंक यू, वी नीड टू लीव बिकॉज़ आदित्य जी को क्लीनिंग करना है। हम लोग राजेश खन्ना दादी बेटा एक हजार आ जाइए।